हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन एक नेक्स्ट लेवल पर चल रही होगी, क्योंकि आपके एग्जाम्स के कुछ ही दिन बचे हैं। एसएससी सीजीएल टायर 1 2023 14 जुलाई से आपके एग्जाम्स स्टार्ट होने वाला है और इस समय बिल्कुल अपने आप को इस जोन में रखना है जिसके लिए होता है ना कि बेसिकली हमें पाना ही है इस पर्टिकुलर पोस्ट को। इसके लिए सबसे पहले आपको टायर 1 क्लियर करना पड़ेगा और टायर 1 क्लियर करना बोल सकते कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और बेसिकली इस समय आपको रिविजन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए और रिविजन से बेसिकली आपका कॉन्फिडेंस आता है और इसी कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करने के लिए मैं आपके साथ इस पर्टिकुलर वीडियो में बेसिकली मिशन एसएससी सीजीएल टायर 1 2023 के बोल सकते हैं कि आपके इस एपिसोड में आपका मोस्ट वेलकम है। और इस पर्टिकुलर सीरीज में मैं आपके साथ डेली बोल सकते हैं कि 50 प्लस क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। पार्ट 1 में 50 प्लस क्वेश्चन डिस्कस किया था, पार्ट 2 में 60 प्लस क्वेश्चन डिस्कस किया था, लेकिन आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में भी फिर से मैं बोल सकता हूं कि 50 प्लस ही क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। आप लोग फीडबैक दे सकते हैं, अगर आप कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन चाहते हैं, 100 प्लस क्वेश्चन चाहते हैं, तो वो भी आप अपना कमेंट बॉक्स दे सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चंस को सिलेक्ट करूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे और हम लोग बहुत अच्छे से उसको प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए जुड़े हैं तो मैं आपको बता दूं कैसे इस पर्टिकुलर सीरीज को आपको एंजॉय करना है। पर्टिकुलर सीरीज को एंजॉय करने के लिए आपका माइंड बिल्कुल कंसंट्रेट होना चाहिए और बिल्कुल बोल सकते हैं कि आप अपने एग्जाम जोन में होना चाहिए। अगर आप एग्जाम जोन में नहीं हो, आप बिल्कुल कहीं पे लेट करके इस पर्टिकुलर वीडियो को देख रहे हैं, तो इस वीडियो को वहीं पे पॉज कर दीजिए, क्योंकि उस तरीके से देखने के बाद से आपको इस पर्टिकुलर वीडियो का बहुत ज्यादा बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर? इस वीडियो को आप कैसे एंजॉय करोगे, आपके पास एक रफ शीट होना चाहिए, बिल्कुल आपका माइंड कंसंट्रेटेड होना चाहिए और उसके साथ साथ आपके पास एक पेन होना चाहिए। मैं क्वेश्चंस को रीड करूंगा, देन बेसिकली आपको जो है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और देन आपको क्या करना होगा कि बेसिकली जो है 5 सेकंड का मैं टाइम भी देता हूं हर एक क्वेश्चन को रीड करने के बाद से, और इस पर्टिकुलर 5 सेकंड के बाद से उस आपको राइट आंसर लिखना होगा अपने नोटबुक में। देन हम लोग क्या करेंगे कि मैं राइट आंसर बताने के बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं शिफ्ट हो जाऊंगा। क्लियर? तो शुरू करते हैं फिर आज का रैपिड फायर सेशन। बोल सकते हैं कि आपका जो है सेट नंबर 3, बिल्कुल आपको पूरे मोटिवेशन के साथ इस पर्टिकुलर वीडियो को इंजॉय करना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, आपको बताना है कि ये ऑटोबायोग्राफी है बेसिकली जो है अरोसुंदरी देवी का, तो इसका टाइटल क्या है। फर्स्ट आपका अमर जीवन, या फिर आप बोल सकते हैं कि आपका जो है स्मृति चित्र, या फिर बोल सकते हैं स्मृति चित्र मीन्स द मेमोर्स ऑफ द स्पिरिटेड वाइफ, या फिर बोल सकते हैं कि आलू आलो आपका क्या है कि आलू आलो आप बोल सकते हो कि आपका अंधेरी और उसके बाद से जो है अंधेरी और ये आपका जो है रसीदी टिकट। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यस, सही बताया आपने, इनका इनका जो ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है, अमर जीवन नाम है। ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। बेसिकली गार्ड के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया, इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1948 में। तो बेसिकली इसमें कितने कंट्रीज जो है बेसिकली आपके जो है ग्लोबल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक प्रकार का गार्ड और ये एडमिनिस्ट्रेट करता है। आपको नंबर ऑफ कंट्रीज बताने हैं आपके गार्ड में, क्लियर, जिसको एस्टैब्लिश किया गया था 1948 में। क्लियर? 29, 23, 35 या फिर 28, बताइए। यस, कितने आपके मेंबर है गैट में, बोल सकते हैं कि जब ये एस्टैब्लिश हुआ था तो बेसिकली 23 मेंबर्स है, जो बेसिकली आप बोल सकते हैं कि ग्लोबल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। क्लियर? ये बेसिकली आपका ये ऑर्गेनाइजेशन गैट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, इस पर्टिकुलर जो आपके 4 आर्टिकल का एक सेट दे रखा है, इसमें से कौन सा आपका आर्टिकल जो है सेट बेसिकली इमरजेंसी के दौरान आपके कंट्री में जब इमरजेंसी जब डिक्लेयर किया जाता है तो कौन सा आर्टिकल बेसिकली आपका जो है वो बोल सकते हैं कि सस्पेंड आपका जो है वो हो जाता है। क्लियर? फर्स्ट आर्टिकल है आपका 22 और 23, 20 और 21, या फिर 19 और 20 और 21 और 22। राइट आंसर बताइए। कैन नॉट, आप ध्यान देना, कैन नॉट, कौन सा आर्टिकल आपका सस्पेंड नहीं होता है, इस पे आपको फोकस करना है। यस, इमरजेंसी के दौरान बेसिकली आपका आर्टिकल 20 और 21 आपका जो है वो सस्पेंड नहीं होता है। इमरजेंसी बेसिकली आपका आर्टिकल 352 होता है, आपको याद रखना है, और ये आपका जो है 356 में बेसिकली हमें क्या देखने को मिलता है, प्रेसिडेंट रूल, और 360 में क्या देखने को मिलता है, ये आपका जो है 360 में आपका जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। 352 बेसिकली आपका जो है नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, कार्बन डेटिंग का मीनिंग क्या होता है। एक मेथड है जिसका बोल सकते हैं किसका डिटरमाइन करने के लिए इसका यूज करते हैं, डेंसिटी ऑफ द आपका जो है
ये फॉसिल मटेरियल होता है, जो भी आपके जीवाश्म होते हैं ना उसके डेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए इस पर्टिकुलर मेथड का यूज करते हैं, या फिर एक ऐसा मेथड है जो हम क्या करते हैं इसके मेथड से हम कैलकुलेट करते हैं जो भी आपके रिमेन्स होते हैं सल्फर और उसके साथ साथ नाइट्रोजन को जो आपके हार्ड रॉक पे आपको देखने को मिलते हैं, या फिर एक ऐसा मेथड है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं कि कैलकुलेट करते हैं एज ऑफ वेरी ओल्ड ऑब्जेक्ट्स, जो भी आपके ओल्ड ऑब्जेक्ट्स की एज जो होते हैं उसकी हम कैलकुलेशन करते हैं इस पर्टिकुलर मेथड से, और बोल सकते हैं कि जो भी आपके अमाउंट्स जो होते हैं डिफरेंट फॉर्म्स जो आपके कार्बन उसमें प्रेजेंट देखने को मिलते हैं। क्लियर? तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पे मेंशन है। ऑप्शन फोर्थ मेंशन है कि एक प्रकार का ऐसा मेथड है जिसका बोल सकते हैं कि जो भी आपके जो बहुत पुराने आपके जो रॉक है उसके वेट को डिटरमाइन करने के लिए जो है इस कार्बन डेटिंग बेसिकली इस पर्टिकुलर मेथड का यूज किया जाता है। करेक्ट आंसर बताइए। यस, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड। बेसिकली एक ऐसा मेथड है जिसकी हेल्प से क्या करते हैं कि जो भी आपका ओल्ड ऑब्जेक्ट्स है ना उसकी बेसिकली जो है एज को कैलकुलेट किया जाता है कार्बन डेटिंग प्रोसेस के द्वारा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, नेशनल कमीशन जो बेसिकली प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एस्टैब्लिश किया गया था किस पर्टिकुलर ईयर में, 2014 में, 14 या फिर 2007 या फिर 2005 या फिर 2010? राइट आंसर बताइए। ये आपका 31 क्वेश्चन नहीं है, ये आप जो है क्वेश्चंस नंबर में नहीं लिखा हूं। चलिए कोई नहीं, आप वहां पे उसको मैनेज कर लीजिएगा आप ऐसे करके जो है। क्लियर? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, कब एस्टैब्लिश किया गया था इसको? यस, 2007 में बेसिकली इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश किया गया था, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट को एस्टैब्लिश किया गया था 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली ये इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, इससे आपको इस पे आपको फोकस ही नहीं करना, मैं कैलकुलेट करके जो है 50 प्लस क्वेश्चंस मैं आपको डिस्कस करूंगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। क्लियर? आपको बताना है कि जो आपके फॉलोइंग स्टेट्स जो है जिसमें आपका जो है नेशनल वाटर वेज 96 आपका जो है पास होता है, आपको बताना है इस पर्टिकुलर किस स्टेट से आपको देखने को मिलेगा वाटर वेज 96 पास होता है बेसिकली इस किस पर्टिकुलर स्टेट से, आसाम, उत्तर प्रदेश या फिर ओडिशा या फिर मध्य प्रदेश? बताइए। यस, नेशनल वाटर वेज बेसिकली आपका 96 बेसिकली आपको पास होता वो नजर आएगा ओडिशा स्टेट से। ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। अगस्त 1907 में बेसिकली मैडम भिकाजी कामा बोल सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन बोल सकते हैं कि इंडिया के फर्स्ट पर्सन जिन्होंने होस्ट करी थी फॉरेन सॉइल पे बेसिकली जो इंडियन फ्लैग को, तो आपको उस पर्टिकुलर बोल सकते हैं कि फॉरेन प्लेस का लोकेशन बताना है, जर्मनी या फिर बेल्जियम या फिर पोलैंड या फिर स्वीडन? यस, इसका आंसर क्या होगा, जर्मनी में बेसिकली जो मैडम भिकाजी कामा ने एक फर्स्ट पर्सन बेसिकली आप कह सकते हो इनको फर्स्ट पर्सन इन्होंने होस्ट करी थी भारतीय तिरंगा को लहराया था इस फॉरेन सॉइल पे, विदेशी धरती पे आप ऐसा बोल सकते हो जर्मनी में। ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। मोहिनीअट्टम बेसिकली एक इंपॉर्टेंट क्लासिकल डांस होता है, ये किस बेसिकली आपका हिंदू गॉड से एसोसिएटेड होता है, गणपति या फिर ब्रह्मा या फिर विष्णु या फिर शिवा? यस, मोहिनीअट्टम बेसिकली जो डांस होता है हमें केरल स्टेट में देखने को मिलता है, और ये किससे रिलेटेड होता है आपका जो है विष्णु गॉड से रिलेटेड होता है। ऑप्शन आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिकली आपका ये ग्रोथ एंड किसके साथ, ग्रोथ किसके साथ, स्टेबिलिटी के साथ, और आपका ये प्रोग्रेसिव अचीवमेंट जो होता है बेसिकली आपका सेल्फ रिलायंस। क्लियर? तो किस पर्टिकुलर फाइव ईयर प्लान का आपका ये आपका जो है ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं कि आपका ये ऑब्जेक्टिव था, फिफ्थ, थर्ड या फिर फोर्थ या फिर सेकंड? यस, ग्रोथ के साथ बोल सकते हैं स्टेबिलिटी, और उसके साथ साथ प्रोग्रेसिव अचीवमेंट्स किस पे आपको सेल्फ रिलायंस का ये बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव था आपका जो है वो फोर्थ फाइव ईयर प्लान का। क्लियर? तो ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। कैसा स्पीसीज के बारे में बेसिकली आपको बताना है, उस ग्रास है बेसिकली स्पीसीज मींस आपका जो है आपने पढ़ा होगा बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, वो मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपको बस याद रखना है कि ये जो उस ग्रास का नाम बताना है आपको जो आप बोल सकते हो एक्सटिंक्शन बिल्कुल विलुप्त होने के कगार पे है, इंटेंसिटी इनसेंसिटिविटी है किसके रिस्पेक्ट में आपका जो है इन्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में, तो उस पर्टिकुलर आपका जो है
इस चारों ऑप्शन में से आपको बताना है उस पर्टिकुलर ग्रास का नेम, हेलियंथा सेनस, सेकंड आपका सैक्रम ऑफिशिनेरम, और थर्ड आपका जो है हबार्डिया हेप्टा न्यूरॉन, और फोर्थ है आपका बेलिस पेरेनिस। क्लियर, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, हबार्डिया हेप्टा न्यूरॉन। क्लियर, ये बेसिकली आपका हेलियंथस सेनस बेसिकली आपका गेंदा होता है, गेंदा का फूल आप लोगों ने देखा होगा वही आपका गेंदा होता है हेलियंथस सेनस। ये आपका जो है हबार्डिया हेप्टा न्यूरॉन जो है बेसिकली एक्सटिंक्शन के कगार पे। क्लियर, तो इसका आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है बेसिकली आपको प्रोवाइड करता है रिजर्वेशन जो है बेसिकली लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो आपके सीट्स के रिजर्वेशन के बारे में बात करता है, आपका बेसिकली प्रोवाइड किया जाता है, तो आपको बताना है कि किस पर्टिकुलर जो है वो क्षेत्र में जो है ये बोल सकते हैं कि रिजर्वेशन दिया जाता है सीट्स में, शेड्यूल ट्राइब्स या फिर अदर बैकवर्ड क्लास या फिर डिफरेंटली एबल्ड या फिर वुमेन। यस, एसटी बोल सकते हैं कि शेड्यूल ट्राइब्स में बेसिकली जो है इस पर्टिकुलर कैटेगरी में रिजर्वेशन दिया जाता है सीट्स में, बोल सकते हैं कि लोकसभा और उसके साथ साथ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। क्लियर, तो इसका ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि जो बेसिकली आपका ये फीवा वॉलीबॉल आपका जो है मैंस वर्ल्ड कप जो है बेसिकली जो है होस्ट किया गया था, इनॉग्रेशन आप बोल सकते हैं किस पर्टिकुलर प्लेस पे, और आपको ईयर भी बताना है 1965 पोलैंड या फिर 1977 जापान या फिर 1969 ईस्ट जर्मनी या फिर 1981 जापान। यस, ये कहां पे इसका इनॉग्रेशन हुआ था, 1965 पोलैंड में हमें देखने को मिला था। क्लियर, फीवा वॉलीबॉल मेन्स वर्ल्ड कप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है ये जो बेसिकली आपका रेशियोज होता है किसके किसके बीच में, नॉमिनल और उसके साथ साथ रियल जीडीपी, उसे हम किसके नाम से जानते हैं, इकोनॉमिक्स का बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा क्वेश्चन है, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि सीपीयू एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, नेट नेशनल इनकम या फिर वैल्यू एडेड जीडीपी या फिर ग्रीन जीडीपी या फिर जीडीपी डिफ्लेक्टर, क्या आंसर होगा। गुड, आपने सही बताया, इसका आंसर क्या होगा, जीडीपी डिफ्लेक्टर होगा। मैं जूम करके वीडियो को बना रहा हूं कि आप सही आंसर दे रहे होंगे, अगर आंसर दे रहे होंगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी आ रहा होगा और उसके साथ साथ बोल सकते हैं कि अपने एग्जाम्स के लिए बिल्कुल आप रेडी हो रहे हैं, क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से करके जाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इस पर्टिकुलर बोल सकते हैं कि सेट में, आपको बताना है कि उस पर्टिकुलर कैप्टन का नाम जिन्हें बोल सकते हैं कि इंडियाज वुमेन्स क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप 2022 में बेसिकली जो दिया गया था, तो उस समय कैप्टन कौन थी आपके। क्लियर, इंडियाज वुमेन्स क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप जो हुआ, वर्ल्ड कप जो हुआ था 2022 में, इसमें वर्ल्ड कप कौन थी, इसमें आपकी जो है कैप्टन कौन थी, नॉट वर्ल्ड कप, शेफाली वर्मा या फिर मिथाली राज या फिर स्मृति मंधाना या फिर हरमनप्रीत कौर, बताइए। यस, कैप्टन कौन थी आपकी जो स्मृति मंधाना। क्लियर, ऑप्शन आपका जो थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि फॉर्मूला ऑफ द बेरियम परोक्साइड, बेरियम परोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, Ba2O2, BH2O4, BH2O4 या फिर BaO या फिर BaO2, क्या होगा फॉर्मूला बेरियम परोक्साइड। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, अगर आपके आपको ये आइडिया है कि कैसे आप फॉर्म करते हैं कंपाउंड का, तो आप इसका आंसर बहुत आसानी से कर पाओगे। यस, इसका आंसर क्या होगा, BaO2 हो जाएगा, BaO2 बेसिकली जो है आपका बेरियम परोक्साइड का फॉर्मूला होता है, ऑप्शन फोर्थ आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, इस पे आपको नहीं जाना है, थोड़ा सी ये टाइपिंग एरर बोल सकते हो, आपको बेसिकली बताना है कि फॉलोइंग सीक्वेंस जो रिवर का किसके अकॉर्डिंग जो है लेंथ के अकॉर्डिंग, सबसे पहले मान लीजिए कि आप गंगा है यहाँ पे, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर यमुना, तो आपको बेसिकली रिवर के लेंथ के अकॉर्डिंग आपको बिल्कुल जो है अरेंज करना है। सेकेंड आपका ऑप्शन है गंगा यमुना गोदावरी कृष्णा या फिर गोदावरी कृष्णा गंगा यमुना या फिर गोदावरी गंगा कृष्णा यमुना, तो लेंथ के बेस पे आपको बेसिकली अरेंज करना है, करेक्ट सीक्वेंस बताना है लेंथ के बेस पे। तो इसमें से बताइए, थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, रिवर सिस्टम से पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा गया जियोग्राफी टॉपिक से। यस, करेक्ट आंसर क्या होगा, गंगा बेसिकली जो है
इसकी लेंथ बहुत ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है, सबसे लंबी नदी है गंगा। तो गंगा देन गोदावरी देन कृष्णा देन यमुना आपको देखने को मिले, क्लियर। तो ये आपका पर्टिकुलर सेट जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। आप इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए आप वेट कीजिएगा, मैं इन सारे वीडियोस के एक्सप्लेनेशन भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, क्लियर। तो केवल और केवल मैं इसमें आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं, तो इतना ज्यादा टाइम नहीं कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि आपकी गंगा कहां से ओरिजिन होता है, फिर आपके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गोदावरी से रिलेटेड है, कृष्णा से रिलेटेड है, क्या क्या इनके ट्रिब्यूट्स होते हैं, तो वो मैं आपको जब मैं एक्सप्लेन के वाली जो वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा उसमें मैं बहुत डिटेल में इन सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका जो हाई कोर्ट से रिलेटेड नहीं है, इट मींस आपका करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट आपको बताना है। ये बेसिकली आपका ये डील कर सकता है, क्लियर। हाई कोर्ट बोल सकते हैं ज्यूरिडिक्शन ऑफ द स्टेट, और उसके साथ साथ बोल सकते हो कि जो ये अपील को भी हियर कर सकता है लोअर कोर्ट्स, जो भी आपके अपील होंगे उसको भी ये सुन सकता है आपका हाई कोर्ट। ये क्या कर सकता है कि आपका ये इशू भी वेरियस जो भी आपके रिट से रिलेटेड जो होते हैं आपके फंडामेंटल राइट्स से बेसिकली रिट को जारी कर सकता है। ये बेसिकली आपका स्टेटमेंट थर्ड है, और ये बोल सकते हैं कि एडवाइजरी ओपिनियन बेसिकली ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देते हैं, एडवाइज करते हैं, ये आपका फोर्थ स्टेटमेंट है। तो आपको इनकरेक्ट चूज करना है, नॉट करेक्ट, पूछा क्या है नॉट करेक्ट, तो आंसर बताइए क्या होगा। यस, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो स्टेटमेंट फोर, ये एडवाइजरी जो ओपिनियन जो होता है बेसिकली वो किसके द्वारा दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया जाता है, ना कि हाई कोर्ट के द्वारा। तो ये स्टेटमेंट जो है बेसिकली आपका इनकरेक्ट है, ये आपका एडवाइजरी ओपिनियन बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, क्लियर। तो ये बेसिकली आपका ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। आपको आर्टिकल का नेम बताना है, और आर्टिकल का नेम बताना है जिसमें आपके जो भी सुप्रीम कोर्ट जो होते हैं वो एडवाइज करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, किस आर्टिकल के तहत। ये आर्टिकल मैं जब मैं स्टेट डिस्कस किया था बेसिकली इसी चैनल पे आपको वीडियोस मिल जाएगा 20+ MCQs का, जो आपके CGL Tier 1 2022 के एग्जाम्स हुआ था, जो भी आपके जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे गए थे उन सारे क्वेश्चन को मैं काफी डिटेल में मैं डिस्कस किया हूँ। तो उस पर्टिकुलर वीडियो में जब आप एक्सप्लेनेशन पे फोकस करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा उस पर्टिकुलर आर्टिकल के बारे में मैं जिक्र किया हूँ, क्लियर। तो आप उस वीडियो को एंजॉय भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसका आंसर आपको जो है वो फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, आपका जो है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। मेट्रू डैम बेसिकली किस रिवर पे सिचुएटेड है आपको बताना है, कावेरी रिवर या फिर कृष्णा या फिर वैगई या फिर पेरियार, बताइए। यस, सही बताया आपने, कावेरी रिवर पे देखने को मिलता है हमें मेट्रू डैम, ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। बैटल ऑफ बक्सर के बारे में बेसिकली आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, आपको बताना है कि बेसिकली हेक्टर मुनरो बेसिकली जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड कर रहे थे, कमांड कर रहे थे, लेकिन ये जो कंबाइंड आर्मीज का नाम बताना है आपको। फर्स्ट ऑप्शन है मीर जाफर सिराजुद्दौला, मुगल एम्परर शाह आलम द्वितीय, उसके बाद से मीर कासिम, मुगल एम्परर शाह आलम, और उसके साथ साथ आपके जो शाह सुजाउद्दौला अफावत, और उसके साथ साथ थर्ड ऑप्शन है मीर जाफर, मुगल एम्परर ऑफ बहादुर शाह सेकेंड, और उसके साथ साथ सुजाउद्दौला, या फिर सिराजुद्दौला सुजाउद्दौला, और उसके साथ साथ मुगल एम्परर आपके शाह आलम द्वितीय। तो ये बेसिकली आपको बताना है कि इन दोनों इसका एक कलेक्टिव आपका ग्रुप था, जो बोल सकते हैं कि हेक्टर मुनरो से बेसिकली जो है हेक्टर मुनरो से बेसिकली आप कंबाइंड आर्मी जो है बेसिकली लीड कर रहा था, बताइए क्या इसका आंसर हो जाएगा। यह सही बताया आपने, बैटल ऑफ बक्सर बेसिकली 1764 में हुआ था, और ये बेसिकली जो है इसकी कंबाइंड आर्मी थी मीर कासिम और मुगल एम्परर ऑफ शाह आलम और उसके साथ साथ सुजाऊ दौला ऑफ अवध, क्लियर, ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि ये बेसिकली आपका जो है जो आपका अराइवल और उसके साथ साथ जो नॉर्मल रेनफॉल जो होता है ना बेसिकली इंक्रीज हो जाता है, बहुत ज्यादा वर्षा होने लगती है सडनली अचानक से, कॉन्टिन्यूअस बहुत तेज बारिश होने लगेगी और बोल सकते कुछ दिनों तक, इसके लिए एक प्रोसेस उसके लिए हम टर्म देते हैं, और वो मानसून के लिए बेसिकली वर्ड यूज किया जाता है। आपको बताना है इस पर्टिकुलर आपका जो है इस कौन से टर्म को हम यूज करते हैं बहुत तेज बारिश के लिए, आपको ऐसे याद रखना है कि बहुत तेज बारिश के लिए और सडन से आपका अचानक से तेज बारिश होने लगे कुछ दिनों तक के लिए, तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है, ओपनिंग बर्स्ट या फिर थर्स्ट या फिर ब्रेकिंग। यस, क्या बोलते हैं उसे, बर्स्ट बोलते हैं बादल का फटना, क्लियर, तो ऑप्शन सेकेंड आपका करेक्ट हो जाएगा। ये बेसिकली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको सेलेक्ट करना है सेम ग्रुप जो बेसिकली पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन है,
तो कौन सा एलिमेंट का ग्रुप है जो सेम ग्रुप से आपके बिलोंग करते हैं, नियॉन, आर्गन, सोडियम मैग्नीशियम या फिर हीलियम, लिथियम मैग्नीशियम पोटेशियम या फिर हाइड्रोजन लिथियम मैग्नीशियम कैल्शियम या फिर हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम। यस, क्या आंसर होगा, ये आपका जो है ग्रुप फर्स्ट ए में हमें देखने को मिलता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बेसिकली एल्कली मेटल का पार्ट नहीं होता है। देन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम, ये सारे एलिमेंट्स आपके जो है बोल सकते हैं कि एल्कली मेटल होते हैं, ये इस हाइड्रोजन को छोड़ करके, एक्सेप्ट हाइड्रोजन को एल्कली मेटल के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। लेकिन इसी फर्स्ट ए ग्रुप का ये पार्ट होता है, आप बोल सकते हैं हाइड्रोजन भी, तो इसका आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना कि कौन सा कोड्स जो है बेसिकली वो सिग्निफाई होता है, बेसिकली बोल सकते हैं कि जो है जब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द कोपेनहेगन, क्लियर, क्लाइमेट के साथ साथ ड्राई विंटर्स के लिए कौन सा बेसिकली जो कोल्ड जो है कोल्ड क्लाइमेट और उसके साथ साथ ड्राई विंटर्स के लिए एक स्पेसिफिक टर्म जो है बेसिकली यूज किया जाता है अकॉर्डिंग टू कोपेनहेगन, ईएफ, डीएफ या फिर ईटी या फिर डीडब्ल्यू। यस, कौन सा कोड यूज किया जाता है, डीडब्ल्यू यूज किया जाता है, बोल सकते हैं कोल्ड क्लाइमेट के साथ साथ ड्राई विंटर्स, क्लियर, के लिए अकॉर्डिंग टू कोपेनहेगन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि ये जो मून जो है बेसिकली कंप्लीट करता है कितने रोटेशन अपने एक्सिस पे जब हमें देखने को मिलता है, वन रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ, क्लियर, तो आपको नंबर ऑफ आपको ये बताना है, थ्री रोटेशन या फिर टू रोटेशन या फिर वन रोटेशन या फिर फोर रोटेशन। यस, क्या आंसर होगा, फर्स्ट, मून बेसिकली क्या करता है कि कंप्लीट करता है वन रोटेशन अपने एक्सिस पे जब बोल सकते हैं कि वो रिवॉल्यूशन आपका ये कंप्लीट करता है, कंप्लीट जो है अर्थ के चारों तरफ ये रिवॉल्व करता है, उस कंडीशन में बेसिकली आपका मून जो है वन रोटेशन कंप्लीट करता है, इसका आंसर आपका फर्स्ट थर्ड हो जाएगा, फर्स्ट। किस फाइव ईयर प्लान बेसिकली आपका ये जो बेस्ट था, बोल सकते हैं आइडियाज ऑफ द महालनोविस, बताइए फोर्थ फाइव ईयर प्लान या फिर थर्ड फाइव ईयर प्लान या फिर फर्स्ट फाइव ईयर प्लान या फिर सेकेंड फाइव ईयर प्लान। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार इस पर्टिकुलर पर्सनैलिटी के नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है। यस, गुड, आपने सही आंसर बताया, जो सेकेंड फाइव ईयर प्लान था बेसिकली बोल सकते हैं कि आपका जो है महालनोविस पे बेस्ड था, बोल सकते हैं कि आइडियाज पे बेस्ड था, इंपॉर्टेंट स्टेटिस्टिक्स थे आपके जो महालनोविस, क्लियर। फर्स्ट फाइव ईयर प्लान बेसिकली आपका हैरोड डॉमर मॉडल पे बेस्ड था, क्लियर, तो फर्स्ट तो होगा नहीं, आपका सेकेंड होगा, क्लियर, ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। लिटिल अंडमान जो बेसिकली आपके साउथ में, अब किसको सेपरेट करते हैं, साउथ में बेसिकली निकोबार आइलैंड्स को सेपरेट किया जाता है किस चैनल के द्वारा, 8 डिग्री चैनल या फिर 10 डिग्री या फिर 7 डिग्री या फिर 9 डिग्री चैनल के द्वारा, बताइए। यस, ये लिटिल अंडमान और ये आपका जो साउथ में जो बेसिकली आपका निकोबार आइलैंड जो होता है वो बेसिकली आपका सेपरेटेड होता है किसके द्वारा, 10 डिग्री चैनल के द्वारा, ऑप्शन सेकेंड आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है बेसिकली जो किस फिल्म के लिए अक्षय कुमार को जो है बेसिकली नेशनल अवार्ड दिया गया था, रक्षाबंधन या फिर मिशन मंगल या फिर रुस्तम या फिर बेल बॉटम। सही बताया आपने, किसके लिए दिया गया था, नेशनल अवार्ड रुस्तम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपसे जो है बेसिकली पूछा गया है, किस इंडियन जैवलिन थ्रोअर को बेसिकली जो सस्पेंड किया कर दिया गया था 2020 बोल सकते हैं कि आपका जो है कब तक जो है 2020 में किया गया था लेकिन कब तक 2025 तक डोपिंग में बेसिकली उनको पकड़ा गया था, तो उस पर्टिकुलर आपको जैवलिन थ्रो का नाम बताना है, जैवलिन थ्रोवर, क्लियर, थ्रोवर शिवपाल सिंह या फिर नीरज चोपड़ा या फिर काशीनाथ नायक या फिर जो है देवेंद्र झाझरिया, बताइए। यस, शिवपाल सिंह को बेसिकली जो है बोल सकते हैं कि सस्पेंड कर दिया गया था कब तक, 2025 तक डोपिंग के केस में उनको पकड़ा गया था, ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। लिंगराज टेम्पल बेसिकली ये सिचुएटेड है किस फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया में, ओडिशा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। इससे आसान स्टैटिक जीके का कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता, आप ऐसा एक्सपेक्ट करोगे एसएससी सीजीएल के एग्जाम्स में, अगर ये क्वेश्चन अगर आपके शिफ्ट में आ रहा है तो आप बहुत अपने आप को गुड लक माना, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता है, इसका आंसर बताइए आप लोग।
इसका आंसर होगा ओडिशा। ओडिशा में आपको देखने को मिलेगा लिंगराज टेम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली आपको जो है इनकरेक्ट चूज करना है, नॉट करेक्ट। फोर्स रिलेटेड है आपका, जो आपका प्रेशर जो होता है, फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम को हम प्रेशर कहते हैं। लिक्विड जो होता है बेसिकली आपका ये प्रेशर एग्जर्ट कर सकता है वॉल के कंटेनर्स पे, या फिर बेसिकली आपका फोर्स जो होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक्ट करता है तो क्या कॉज करता है, उसके स्टेट में को भी चेंज करता है, और उसके साथ साथ लेकिन ये उसके स्टेट में चेंज करता है, और बोल सकते हैं कि मोशन में भी चेंज करता है, लेकिन ये शेप में चेंज नहीं करता है। ये आपका स्टेटमेंट है, बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको। तो कौन सा स्टेटमेंट आपका नॉट करेक्ट है? ऑप्शन बोल सकते हैं ओनली फर्स्ट एंड सेकंड, या फिर ओनली थर्ड, या फिर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, या फिर केवल और केवल फर्स्ट एंड थर्ड आपका इनकरेक्ट है। बताइए क्या आंसर होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यस, सही बताया आपने। ये जो बेसिकली आपका जो है प्रेशर, जो आपका फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम नहीं होता है, बेसिकली क्या होता है, प्रेशर मीन्स आपका जो है फोर्स इनटू आपका जो एरिया होता है, क्लियर। तो ये बेसिकली आपका जो है दाब इज इक्वल टू क्या होता है, बल अपॉन क्षेत्रफल होता है, क्लियर। तो ये आपका इनकरेक्ट हो गया, ये आपका करेक्ट है। लिक्विड आपका एग्जर्ट कर सकता है प्रेशर वॉल ऑफ कंटेनर्स, और ये आपका नहीं, ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि फोर्स क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब हम फोर्स लगाते हैं तो बेसिकली उसके स्टेट में तो चेंज देखने को मिलता है, उसके शेप में भी चेंज देखने को मिलता है, और ये बेसिकली आपका ऑब्जेक्ट में मोशन भी देखने को मिलता है। तो ये स्टेटमेंट आपका नॉट लिखा है ना, तो ये आपका जो है शेप में चेंज देखने को मिलता है, इसलिए ये भी स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट एंड थर्ड आपका इनकरेक्ट है, आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, महानदी बेसिन बेसिकली जो है आपका एक्सटेंडेड नहीं होता है किस स्टेट में, इसका बेसिन महानदी रिवर का बेसिन, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, या फिर झारखंड, या फिर ओडिशा। यस, कर्नाटक में बेसिकली आपको देखने को नहीं मिलेगा महानदी रिवर का बेसिन, ऑप्शन आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। हर स्टार्स बेसिकली एक इनिशिएटिव इंप्लीमेंट किया गया था गुजरात यूनिवर्सिटी के द्वारा, बेसिकली जो है एक स्टार्टअप है बोल सकते हैं, और ये इंटरप्रेन्योरशिप, और ये बेसिकली लॉन्च किया गया था अक्टूबर में 2022 में। तो किस फेमस पर्सनालिटी के द्वारा ये लॉन्च किया गया था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, या फिर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, या फिर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, या फिर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, बताइए। यस, किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, बेसिकली इस पर्टिकुलर स्कीम को लॉन्च किया गया था प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। तो ऑप्शन सेकंड आपका जो है वो करेक्ट होता है, ये आपका जो 15 नंबर की प्रेसिडेंट बनी, क्लियर, इलेक्ट हुई हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, एज इट इज आपसे नंबर भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि फर्स्ट इंडियन आर्मी ऑफिसर का नाम, जो उनको प्रमोट किया गया था रैंक ऑफ द फील्ड मार्शल, विक्रम बत्रा, या फिर करम सिंह, या फिर स्व मानिक शाह, या फिर के एम करियप्पा। यस, किसको अपॉइंट किया गया था, किसको बेसिकली जो प्रमोट किया गया था रैंक ऑफ फील्ड मार्शल आर्मी ऑफिसर, आपके सौ मानिक शाह थे, क्लियर। तो ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। 42nd अमेंडमेंट एक्ट बेसिकली 1976 में हुआ था, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली ऐड किया गया था, बोल सकते हैं कि प्रीएम्बल में कौन सा आपका ये टर्म ऐड किया गया था आपको बताना है, सेकुलर, सॉवरन, या फिर डेमोक्रेटिक, या फिर रिपब्लिक। यस, क्या वर्ड यूज किया, क्या किस वर्ड को ऐड किया गया था, 42nd अमेंडमेंट बेसिकली 1976 में जो हुआ था सेकुलर टर्म को, क्लियर, आपके प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। कितने आपके गोल्ड मेडल्स बेसिकली जो है इंडिया के द्वारा विन किया गया, जीता गया 2020 टोक्यो ओलंपिक गेम्स में, 2103, बताइए। यस, सिंगल बेसिकली जो है गोल्ड मेडल जीता गया था, बोल सकते हैं कि इंडिया के द्वारा 2020 आपका जो है टोक्यो ओलंपिक गेम्स में, ऑप्शंस आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन से बताना है कि लीड्स इंडेक्स के बारे में बेसिकली जो है ये जो आपके अचीवर्स स्टेट्स के बारे में ये पर्टिकुलर रिपोर्ट बताता है, तो ये आपके पर्टिकुलर आपके अचीवर्स की कैटेगरी में किसको फर्स्ट रैंक मिला, किस पर्टिकुलर स्टेट को फर्स्ट रैंक मिला है लीड इंडेक्स में, महाराष्ट्र, आसाम, या फिर तमिलनाडु, या फिर आंध्र प्रदेश। यस, क्या आंसर होगा आपका, महाराष्ट्र।
बेसिकली आपका जो है लीड्स रिपोर्ट जो होता है क्या होता है, लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, क्लियर। लॉजिस्टिक्स के बारे में बेसिकली जो है वो रिपोर्ट जो है बेसिकली दिया जाता है। इसमें आपका जो है फर्स्ट नंबर पे महाराष्ट्र आप बोल सकते हैं कि रिसीवर की कैटेगरी में था, ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। 2022 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बेसिकली पूछा गया है कि आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 जो है बेसिकली किस कंट्री के द्वारा होस्ट किया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंडिया या फिर वेस्ट इंडीज। इंडिया होस्ट करेगा, आपको याद रखना है बेसिकली आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। जो प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है बेसिकली ये बोरोड किया गया किस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं कि किस देश से लिया गया है, आप ऐसा बोल सकते हैं यूएसएसआर, प्रेजेंट रशिया या फिर कनाडा या फिर ब्रिटेन या फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यस, प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली बोरो किया गया इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑप्शन फोर्थ आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है किस पर्टिकुलर स्टेट के बारे में जिक्र किया जा रहा है लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट, ये आपका लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट है मैंगनीज ओर में, और ये आपका 33% ऑफ टोटल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द 2019-20 इन इंडिया, जब आपका 1920 में बेसिकली जो 33 बोल सकते हैं कि केवल टोटल प्रोडक्शन था, और ये आपका जो इस पर्टिकुलर केवल सिंगल स्टेट के बारे में आपको बताना, उस पर्टिकुलर स्टेट का नाम इसके क्षेत्र में मैंगनीज के क्षेत्र में, मैंगनीज ओर, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक। क्या राइट आंसर होगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश बेसिकली जो है आपका लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट था, क्लियर, मैंगनीज के ओर के से रिलेटेड 33% टोटल प्रोडक्शन ड्यूरिंग 2019-20 इन इंडिया, क्लियर। तो इसका आंसर आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है उस पर्टिकुलर बोल सकते हैं कि जो है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको बताना है कि जो जिसके द्वारा मेंटेन किया जाता है इंडिया में जो है बेसिकली जो है मेंटेन किया जाता है इंडिया, इंडियन जो भी बैंक होते हैं उसको बेसिकली वो मेंटेन किया जाता है, जो भी आपका फॉरेन कंट्रीज में जो भी आपके अकाउंट्स होते हैं उसको, तो उस पर्टिकुलर बेसिकली आपको ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताएं, नोस्ट्रो या फिर वोस्ट्रो या फिर लिवोर या फिर मिबोर। ये बेसिकली अकाउंट है, कोई आपका जो है ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपका अकाउंट है, कौन से अकाउंट के बारे में जिक्र किया जा रहा है। यस, नोस्ट्रो अकाउंट है बेसिकली जो है वो एक इसको मेंटेन किया जाता है इंडियन बैंक के द्वारा आपके फॉरेन कंट्रीज में, क्लियर, इसका आंसर आपका नोस्ट्रो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कौन सा आपका फॉलोइंग डिजीज जो है जो कॉज नहीं किया जाता है मॉस्किटो बाइट के, मच्छर के काटने से इसमें से कौन सा डिजीज आपका कॉज नहीं होता है, एलिफेंटियोसिस, डेंगू, मलेरिया या फिर हेपेटाइटिस। यस, हेपेटाइटिस बेसिकली आपका ये वायरल डिजीज होता है, तो ये बेसिकली आपका जो मॉस्किटो बाइट से नहीं फैलता, इसका आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है कि बेसिकली जो है एक पॉलिसी को एडवाइज किया गया था ये जिसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप से बोलते हैं, तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप से किसके द्वारा जो है बेसिकली ये लागू किया गया था, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस या फिर लॉर्ड मिंटो। बहुत ही सिंपल है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप से, डी फॉर डॉक्ट्रिन, डी फॉर लॉर्ड डलहौजी, इसका आंसर आपका जो फर्स्ट हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। हीट का ट्रांसफर जब होता है तो उसमें कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, किस पर्टिकुलर वेज में, फर्स्ट आपका ऑप्शन रेडिएशन एंड कंडक्शन बोथ दोनों में, या फिर कंडक्शन में या फिर कॉन्वेक्शन में या फिर रेडिएशन में। यस, रेडिएशन में बेसिकली जो किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जैसे सन से जो आपकी जो रेज जो आती है अर्थ पे वो बेसिकली रेडिएशन के द्वारा आती है, तो उसमें किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो इसका आंसर आपका जो है वो रेडिएशन हो जाएगा। बेसिकली आपको बताना है आर्म्स एक्ट जिसको डिसअलाउ किया गया था इंडियंस के लिए, इस पर्टिकुलर आर्म्स एक्ट के द्वारा जो है डिसअलाउ किया गया था कि जो भी इंडियंस है वो आप आर्म्स नहीं रख सकते हैं, क्लियर, हथियार नहीं रख सकते हैं, तो बेसिकली वो पर्टिकुलर आपका जो है किस ईयर में आपका ये आर्म्स एक्ट आया था, 1876, 1878 या फिर 1877 या फिर 1875। यस, सही बताया आपने, इस क्वेश्चन को मैं काफी डिटेल में डिस्कस भी किया हूँ, जब मेरा आप 20 वीडियोस जो मैं डिस्कस किया हूँ आपके साथ एसएससी सीजीएल टायर 1 2022 के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे 25 क्वेश्चंस की सीरीज में,
तो उस पर्टिकुलर एक सेट में मैंने डिस्कस किया, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सोर्स भी बताया कि एनसीईआरटी से डायरेक्टली ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछा गया था। क्लियर, इसका आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। आपको बताना है बेसिकली जो है उस पर्टिकुलर फॉरेस्ट के बारे में, कॉनिफर्स फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगा हायर एल्टीट्यूड 50 डिग्री से 70 डिग्री, क्लियर, इतने हाइट पे आपको देखने को मिलेगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये आपका जो स्पेक्टकुलर कॉनिफर्स जो आपके फॉरेस्ट जो होते हैं, और इसे हम किसके नाम से जानते हैं, कॉनिफर्स फॉरेस्ट को ऑल्सो कॉल्ड पूछा है आपसे वेल्ड या फिर टुंड्रा या फिर लानोस या फिर टैगा। बहुत ही सिंपल है, टैगा, टैगा से बेसिकली उसे हम उसको जानते हैं कॉनिफर्स फॉरेस्ट को, आंसर आपका जो फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है कंप्यूटर से क्वेश्चन, बेसिकली मैं इंक्लूड किया हूँ, ये भी आपका प्रीवियस क्वेश्चन है, सीएचएसएन में पूछा जा चुका है पर्टिकुलर क्वेश्चन। आपको बेसिकली बताना है एमएस वर्ड 365 में सेव के लिए कौन सा, जब हम फाइल को सेव करते हैं तो कौन सा आपका जो है वो शॉर्टकट यूज किया जाता है, एल्ट प्लस एस या फिर एल्ट प्लस एफ या फिर कंट्रोल प्लस एस या फिर कंट्रोल प्लस एफ, या सेव के लिए बेसिकली कंट्रोल प्लस एस यूज किया जाता है, ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है, जुलाई बेसिकली 2022 में जो इंडियन नेवी को बोल सकते हैं इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर जो बेसिकली डिलीवर किया गया था, उस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट का नाम बताना है, आईएनएस अरिहंत या फिर आईएनएस विक्रांत या फिर आईएनएस शिवाजी या फिर आईएनएस विक्रमादित्य। यस, आईएनएस विक्रांत को जो बेसिकली इंडियन नेवी को क्या किया गया था, डिलीवर किया गया था, इसका आंसर आपका जो वो सेकेंड हो जाएगा। धुस्का बेसिकली जो है एक मोस्ट पॉपुलर फूड है धुस्का, क्लियर, आप जो भी प्रोनाउंस करते हैं अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, मेरे अकॉर्डिंग तो यही अप्रोप्रिएट लग रहा है। तो ये बेसिकली आपका पॉपुलर फूड होता है, फूड आइटम्स किस स्टेट का, पंजाब झारखंड केरल या फिर आंध्र प्रदेश। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये मोस्ट पॉपुलर फूड है झारखंड का, ऑप्शन सेकेंड आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी के बोल सकते हैं, इंटरनेशनल टाइगर डे ऑब्जर्व किया जाता है किस पर्टिकुलर डेट को, जुलाई 5th जुलाई या फिर 30 जुलाई या फिर 29 जुलाई या फिर 4th जुलाई। यस, कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को मनाया जाता है इंटरनेशनल टाइगर डे, सीधा सीधा आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट आपको शॉर्टकट बताना है, बेसिकली जब हम यूज करते हैं कंटेंट्स, जब आप जो भी आपका कंटेंट जो होता है सेल उसको अंडरलाइन करने के लिए, तो ये बेसिकली आपका जो एमएस एक्सेल में ये शॉर्टकट यूज किया जाता है, कंट्रोल प्लस 6 या फिर कंट्रोल प्लस 3 या फिर कंट्रोल प्लस 2 या फिर कंट्रोल प्लस 4। यस, कंट्रोल प्लस 4 बेसिकली यूज किया जाता है कोई भी आपका एमएस एक्सेल में, जब आप वर्क कर रहे हो 365 एमएस एक्सेल, तो ये बेसिकली उसमें कोई भी जो आपके सेल्स के अंदर जो भी कंटेंट्स होंगे इसको अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल प्लस 4 बेसिकली शॉर्टकट यूज किया जाता है। यहाँ पे बेसिकली आपको बताना कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है बैंक रिजर्व्स के से रिलेटेड, ये जो आपके रिजर्व होते हैं उनको रखा जाता है पार्शियली बोल सकते हैं कैश, और उसके साथ साथ आपके पार्शियली जो होते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के रूप में, और कैश रिजर्व्स रेशियो जो होता है जी आपका CRR भी बोलते हैं उसे, तो ये और उसके साथ साथ आपके डिपॉजिट्स जो आपके क्या होते हैं कि कमर्शियल बैंक्स रखती है, और जो आपके किसके साथ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ। तो ये बेसिकली आपको बताना है दोनों स्टेटमेंट केवल दो करेक्ट है या फिर दोनों करेक्ट है फर्स्ट एंड सेकेंड, या फिर केवल फर्स्ट करेक्ट है या फिर दोनों में से कोई भी करेक्ट नहीं है, नीदर फर्स्ट नॉर सेकेंड। यस, दोनों ही स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, बोल सकते हैं कि जो आपका बैंक रिजर्व से रिलेटेड जो भी दोनों ही स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है फुल फॉर्म ऑफ द NCRB क्या है, नेशनल करेंसी रिकॉर्ड्स ब्रांच या फिर नेशनल कैपिटल रजिस्टर ब्यूरो या फिर नेशनल क्रिमिनल रिकॉर्ड्स ब्यूरो या फिर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। नेशनल क्रिमिनल रिकॉर्ड्स ब्यूरो, ये बेसिकली ये क्वेश्चंस आपके CGSL में पूछा गया था, क्लियर, इसका आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। इसी के साथ आपका जो SSC CGL आपका जो भी मिशन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ 50+ MCQs का एक रैपिड फायर सेशन, तो आप इस पर्टिकुलर सीरीज को बहुत अच्छे से इंजॉय करेंगे, जो भी आपका फीडबैक है
अगर वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिए। क्या बहुत ज्यादा क्वेश्चन अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे तो मैं उसके लिए भी रेडी हूँ। अगर आप 100+ MCQs का प्रैक्टिस चाहते हैं तो भी आप कह सकते हैं, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जो भी आपके PYE के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं जनरल अवेयरनेस सेक्शन से। क्लियर, तो मिलेंगे आपसे बोल सकते हैं कि सेट नंबर 4 में 50+ MCQs के साथ रैपिड फायर सेशंस। कैसा लगा वीडियो, इस वीडियो का फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, प्रसन्न रहें और बिल्कुल पूरे मोटिवेशन के साथ, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक आपका SSC CGL टायर 1 नहीं हो जाता तब तक अपने आप को हथियार डाल करके हार नहीं मानना है। एग्जाम दे देना, एग्जाम हॉल से आप जब आप बाहर निकलेंगे उसके बाद से जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन जब तक एग्जाम हॉल में बने रहेंगे तब तक आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। You can crack SSC CGL Tier 1 2023. First of all, you have to crack the Tier 1. Then after, you will have to appear into SSC CGL Tier 2. Clear? Okay.